इसमें आपको आरपीएम मीटर दिखेगा यहाँ पे, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बीप का आवाज आएगा। हाय गाइस, कैसे आप लोग। अभी मैं आया हुआ हूँ रामगढ़ के एक सीसीएल एरिया में। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये डंफर है, ये इंडस्ट्रियल मशीन है। तो मैंने अपने चैनल में बाइक की कार की रिव्यू की है, तो आज सोचा कि आपको इंडस्ट्रियल मशीन का रिव्यू करके दिखाऊं। तो हम आपको मिलाएंगे यहाँ के सर्विस इंजीनियर से, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, और वो बताएंगे कि इसकी क्या फ़ीचर्स है, कैसे काम करती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। इसके सिर्फ व्हील का साइज ही 6 फीट 7 फीट का है, मतलब एक आदमी से भी ऊँचा इनका व्हील का साइज है, जो कि यहाँ के कोयला को डंप करने में काम आता है। तो अभी चलिए मेरे साथ और आपको ले चलते दिखाते। हाय गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ डंफर के ऊपर और मेरे साथ है इसके सर्विस इंजीनियर आदित्य। आदित्य से जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स है एंड यूजेस है। अभी रिव्यू देंगे आपको आदित्य सिंह, जो कि यहाँ के सर्विस इंजीनियर है, और इनसे ये भी जानेंगे कि ये किस तरह चलाया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं BML का सर्विस इंजीनियर हूँ, और आज आपको मैं बताऊंगा मेरी कंपनी के BML के 6010 डंपर के बारे में, जिसका यूज़ माइनिंग में होता है। ये हम लोग यहाँ पर है जो कि CCL की माइंस है, अरगडा एरिया में गिद्दी ए प्रोजेक्ट है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये मशीन जो है ये 60 टन लोडिंग कैपेसिटी है। इसका मेनली यूजेज ये है कि जो माइंस होती है वो काफ़ी नीचे होती है, तो आप नॉर्मल ट्रक से या नॉर्मल जो डंपर आते हैं 20 टन 22 टन के डंपर, उससे कोयले को वहाँ से ऊपर नहीं ला सकते हैं, बिकॉज उनका उतना लोड कैपेसिटी नहीं होता है, उनके इंजन में इतना टॉर्क नहीं होता है। तो उसके वहाँ पर यूज़ होती है ये 60 टन डंपर। इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, 205 टन तक मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बट हम लोग जिस पर बैठे हैं ये 60 टन डंपर है। आदित्य, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे दूसरी कार और गाड़ियां हैं जो माइलेज देती हैं, लीटर बड़ा जो आपका डंपर है, ये सर, ये हैवी इक्विपमेंट जितनी भी आती है ना, वो लीटर पे किलोमीटर पे नहीं चलती है, वो आवरली चलती है। जैसे इसकी जो इंजन है वो एक घंटे में अप्रॉक्स 35-40 लीटर डीजल कंज्यूम करती है, मतलब एक घंटा अगर इसका रनिंग होगा, हाँ, तो ये 35-40 मतलब लीटर डीजल को कंज्यूम करेगी। अच्छा, इसमें किलोमीटर से मतलब नहीं, इसमें किलोमीटर से स्टार्ट भी रहेगा तो वो इतना कंज्यूम करेगी नहीं, आइडल पोजीशन में तो अलग है। अच्छा, अगर आप खड़े रखोगे गाड़ी को, सिर्फ इंजन स्टार्ट रहेगा तो वो आइडल पोजीशन कहलाता है। तो आइडल पोजीशन में 5 लीटर 8 लीटर 10 लीटर, जैसा आप उसको जिस तरह से रखे हो, अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो कंटिन्यूसली खड़ी करके, तो ऑब्वियसली वो कंज्यूम ज़्यादा करेगी। और इसमें ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देख रहे होंगे फ्लाइट वगैरह में रडार होता है, तो इसमें भी एक रडार सिस्टम है जो कि इस गाड़ी के 15 मीटर के रेडियस में कोई भी लिविंग थिंग्स आएगा तो ये बीप करेगी या आवाज़ करेगी, कि ताकि, बिकॉज ये बहुत बड़ा मशीन है तो आप पीछे नहीं देख रहे हो क्या है, या नीचे कोई घुसा हुआ है, जब इसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है तो मतलब उस चीज़ के लिए रडार सिस्टम लगा हुआ है। उसके अगल बगल कोई भी चीज़ रहेगा तो वो टी टी करके एक बीप आवाज आएगा, उससे ऑपरेटर को पता चल जाता है कि मशीन के आसपास कोई है, कुछ भी है, कुछ भी हो, कुत्ता हो बिल्ली हो कुछ भी हो, वो उसके लिए वो सेफ्टी डिवाइस है। और दूसरी चीज़ कि इसमें मतलब क्योंकि माइनिंग एरिया है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर जो रहता है, ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, गर्मी के दिन में तो कहना ही नहीं है, और डस्ट वस्ट उड़ती है, तो उसके लिए ऑपरेटर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए इसमें AC भी है जी, और फैन भी है ना, फैन और AC दोनों इसमें दिया हुआ है। तो आदित्य जी, हम जानना चाहेंगे कि काम कैसे करता है ये, दूसरे कार जिस तरह का चलाया जिस तरह से कार चलती है बस उसी तरह से ये भी चलती है। बस इसमें यही है कि इसमें डंप बॉडी लगा हुआ है, डंप करने के लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसका यहाँ जॉयस्टिक है ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, वो जॉयस्टिक से हम लोग जो डाला बोलते हैं, वो डाला को हम लोग अप डाउन कर सकते हैं, जो भी मशीन में लोड है यहाँ पे है, देखिए ये वाला, अगर हम लोग इसको नीचे करते हैं तो फिर डंप बॉडी नीचे आ जाएगा, और अगर हम मान लीजिए अनलोड करना है, कुछ लोड है गाड़ी में, तो डंप बॉडी को अगर जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे और एक्सेलरेटर देंगे तो वो डंप बॉडी ऊपर हो जाएगा। अच्छा, और इसका ये जो आगे का सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज है? देखिए, इसको हम आपको स्टार्ट मतलब एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये इसका की स्विच है, लोगों ने ऑन किया, थोड़ी देर पहले रुकते हैं बिकॉज सिस्टम पूरा स्टार्ट होता है, बिकॉज आजकल सारा इंजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। देखिए, इसमें आपको RPM मीटर दिखेगा यहाँ पे, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बीप का आवाज़ आएगा। ये बैटरी वोल्ट है जो कि 24+ रहना चाहिए।
और अगर गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी मैल फंक्शन आएगा ना, तो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखेगा। जैसे कि देखिए इसमें दिखा रहा है एक्यूमुलेटर प्रेशर लो, क्योंकि अभी इंजन स्टार्ट नहीं है तो वो कुछ भी दिखा सकता है। सही देखने के लिए हम लोगों को इंजन स्टार्ट करके देखना पड़ता है। इंजन देखिए, इंजन ऑयल प्रेशर है यहाँ पे, ये आपका फ्यूल का कैपेसिटी दिखा रहा है। डिजिटल है, अब डिजिटल आने लगी है सारी चीजें। और आपका ये इंजन, अगर आपको इंजन ऑफ करना है तो डायरेक्ट की स्विच से ऑफ नहीं करना है, आपके लिए यहाँ पर एक बटन दिया है, उसको आप थोड़ी देर प्रेस करके अगर रखेंगे तो इंजन शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद लाइट एक्सेट्रा है, डम ब्रेक का यहाँ पर एक स्विच है कि मतलब जब बॉडी, मतलब हम लोग कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं चूँकि हैवी मशीन है तो इधर उधर लुढ़के नहीं, उसके लिए पार्किंग ब्रेक और डम ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये पे लोड कैपेसिटी दिखाता है कि आपके जैसे इसका लोडिंग कैपेसिटी है 60 टन, लेकिन हम लोग 50-55 टन से ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देते हैं। 60 टन तक मतलब इसका कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग 55 तक ही रखते हैं। तो ये सारा चीज़ उसको रिकॉर्ड करता है कि मशीन में कितना डंप हो रहा है, कितना लोड लिया, कितना बार ट्रिप हुआ, ये सारा चीज़ इस पे लोड से पता चल जाता है। इसको हम लोग सिस्टम में कनेक्ट करके सारा डेटा निकालते हैं, जिसे PLMS डाटा बोलते हैं। और ये नीचे कार की तरह, हाँ ये कार की तरह है। ये एक्सेलरेटर हुआ, ये पैडल ब्रेक हुआ, फुट ब्रेक जिसको बोलते हैं, और ये क्लच हुआ जी। और पावर स्टेयरिंग है इसमें भी, ये फुली पावर स्टेयरिंग है। और हाइड्रोलिक बेस है, ये शिफ्ट सेलेक्टर जिसे हम बोलते हैं गियर। अगर हम इसको डी में डाल देंगे, जैसे अभी न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल दिखा रहा है। अगर मान ली इसमें, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट सेलेक्टर है, जैसे आजकल की गाड़ियों में क्या बोलते हैं उसे, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग बोलते हैं ना, हाँ। तो उसी तरह से अगर आप डी में डाल दोगे तो आपको फिर बार बार गियर शिफ्ट करने का झंझट नहीं है, वो आप ऑटोमेटिक अपने से अप डाउन होगा स्पीड के हिसाब से। अच्छा, और रिवर्स में भी इसका दो जाता है, नॉर्मली कार में एक ही रहता है रिवर्स ना, इसमें दो रिवर्स है, डबल गियर तक जाता है रिवर्स। और यहाँ AC वगैरह ऑन करने ऑफ करने और इसके, हाँ AC के लिए ये है कंट्रोल यूनिट। जब गाड़ी स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग AC भी, मतलब क्योंकि AC ऐसे नहीं ऑन कर सकते, वो बैटरी को डाउन कर देगा ना। अच्छा, तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो भी, और अभी का वैसा मौसम भी नहीं है कि AC का यूज़ हो जाता होता है, क्योंकि जब जब लोडिंग होती है गाड़ी में तो ऑपरेटर देखता है इधर से क्या लोडिंग हुआ, कितना हुआ, जो भी पावर विंडो वगैरह का फंक्शन है, पावर स्टेयरिंग भी है, पावर स्टेयरिंग भी है इसमें। और इस मशीन में जैसे क्या होता है ना कि ग्रीसिंग सिस्टम है, एक टैंक में ग्रीस भरा हुआ है और ऑटोमेटिक सारा, मतलब जैसे सारे सिस्टम्स में जहाँ जहाँ ग्रीसिंग का ज़रूरत है वहाँ पर वो पाइप गया हुआ है, नोजल गया है, वो ऑटोमेटिक मतलब वहाँ ग्रीसिंग होते रहता है। तरह की मशीनें कहाँ कहाँ काम आती है ये, कोई भी हर तरह की माइनिंग फील्ड में, हर तरह की माइनिंग फील्ड में, चाहे वो आयरन ओर माइनिंग हो या एलुमिनियम के लिए जो बॉक्साइट की माइनिंग होती है, कोल माइंस होती है, या फिर जितने भी तरह की माइनिंग्स होती है ना, उसमें आपका डंपर का इस्तेमाल होता है। और इसका क्या प्राइस क्या होता है? अप्रॉक्स 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक एक मशीन का, की हाँ, कीमत होती हाँ, है। इसकी वारंटी होती है 3 इयर्स की, 1 ईयर जो होती है वो फुल्ली वारंटी होती है, 2 ईयर पार्ट सपोर्ट वारंटी बोलता है, लेकिन मान के चलिए कि 3 ईयर फुल्ली वारंटी में ही रहती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, जैसे हम लोग सर्विस इंजीनियर यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब पब्लिक रोड में ये मशीन्स नहीं चल सकती है, ये मेनली बनाई है माइनिंग के सेक्टर के लिए। तो अगर मान लीजिए जैसे आप कार खरीदते हो तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वर्कशॉप लेके चले जाते हो उसको, या फिर जैसे भी करके आप वर्कशॉप पहुंचते हो करते हो, तो ये क्या है ना, इसके लिए CCL ने अपना वर्कशॉप बनाया है और हम लोगों को यहाँ पर प्लेस्ड किया है कंपनी, कि अगर कोई भी मशीन में फॉल्ट आता है या उसका रिपोर्ट बनाना है या फिर पार्ट सपोर्ट देना है, जो भी देना है, तो उसके लिए हम लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यहाँ पर हैं। और इसका लाइफ कितना होता होगा, एक मशीन कितना लाइफ तक चलती है? जैसे इसकी वारंटी जो होती है वो 12,000 घंटे की होती है। 12,000 घंटा, हाँ जी। और अगर, या फिर 3 साल, जिसमें जो पहले पूरा हो जाए जी। और अगर देखा जाए ग्राउंडेड करने की, या फिर मशीन एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना यूज़ अब ख़त्म, मतलब ग्राउंडेड करने का, इसको हम लोग यहाँ पर ग्राउंडेड बोलते हैं, तो वो इसका शायद अप्रॉक्स 25,000 के नियर बाई है। 25,000 आवर्स अगर ये मशीन चल गई तो वो वर्थ हो गया, मतलब वो मशीन का लाइफ ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी इंजन की जो मेंटेनेंस है वो हर 250 आवर्स में होती है, और इसमें हम लोग 15W30 इंजन ऑयल का यूज़ करते हैं, जो कि अब CH4 आने लगा है। पहले 15W30 यूज़ होती थी, अब इसको CH4 ऑयल, एक वेरिएंट है ऑयल का, मोबिल का, वो यूज़ होता है इंजन में। उसके बाद हाइड्रोलिक हम लोग यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, वो आपका 1,000 घंटे में
इसका मेंटेनेंस होता है। मतलब जैसे 1000 घंटे अगर मशीन चल गई, वर्किंग हो गई, तो फिर हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना पड़ता है, उसके 2 फिल्टर्स होते हैं, वो चेंज करना पड़ता है। और अच्छा, इसके व्हील इतने बड़े बड़े हैं, हाँ। तो एक व्हील का क्या इसका रनिंग डिपेंड करता है बिकॉज व्हील वो रबर है ना। अगर मान लीजिए कि ऑपरेटर अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसको मिस हैंडल करके चलाएगा तो वो पत्थर वत्थर में लगेगा, तो फिर व्हील मतलब टायर कट सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नॉर्मली देखा जाए तो जेके टायर की ये टायर है, वो 4000 घंटे की वारंटी देती है। अगर उसमें कुछ मतलब फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए कि अगर कट गया बाहर से तो उसका कोई वारंटी नहीं मिलेगा। और एक टायर का प्राइस अगर आप देखोगे तो नियर बाई 4 लाख के आसपास आता है एक टायर का प्राइस। तो थैंक यू सो मच आदित्य जी, हमारे दर्शकों को इतना इन्फॉर्मेशन देने। थैंक यू।